हाय गाइस, मैं शांत चाहर, वेलकम बैक टू द चैनल कोड इन 10। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैप्स के बारे में। ठीक है, हम एचटीएल से पढ़ेंगे, तो डायरेक्टली कैसे इंप्लीमेंट होता है, इंप्लीमेंटेशन वगैरह में डेप्थ में नहीं जाएंगे, ऊपर ऊपर से बताऊंगा कि कैसे इंप्लीमेंट होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, मैप्स एंड अनऑर्डर्ड मैप्स, इन दोनों में कुछ ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा एक तो डिक्लेयर कैसे करना उसमें डिफरेंस होता है, और स्टोर कैसे होते हैं चीज़ें उसमें डिफरेंस होता है। काम दोनों सेम ही करते हैं। ठीक है, हमें फ्रीक्वेंसी स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं, की वैल्यू पेयर्स स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं दोनों को। की वैल्यू पेयर्स, की वैल्यू पेयर्स का क्या मतलब है कि तुम्हारी एक की है उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई एक वैल्यू हमने स्टोर कर दी है। ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं, इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जो तुम्हारे कॉलेज के रोल नंबर्स होते हैं, राइट, कॉलेज के रोल नंबर होते हैं वो काफ़ी अजीब से होते हैं। जैसे मेरा जो रोल नंबर था वो 2017 UCO 1510 ऐसा सा था, राइट, इसके आगे निशान चाहर था। ठीक है, ये मेरा रोल नंबर था और ये इसके आगे ऐसे था। अब इस रोल नंबर में तुम्हारा स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के कॉरस्पॉन्डिंग में एक और स्ट्रिंग है, राइट। जब हम एरेज जो हमारी होते हैं, एरेज में हम क्या कर सकते हैं, हम इंटीजर, राइट, इंडेक्सेस जो होते हैं तुम्हारे इंटीजर होते हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी चीज़ स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अगर रोल नंबर ऐसे 1 2 3 4 टाइप होता तो सीधा एरेज में स्टोर कर लेते हैं, हमें कुछ दिक्कत ही नहीं होती। बट जब चीज़ें कॉम्प्लेक्स होने लगती हैं, अब तुम्हें स्ट्रिंग के साथ स्ट्रिंग को स्टोर करना है, राइट, या फिर स्ट्रिंग के साथ कुछ एक एरे को स्टोर करना है, स्ट्रिंग के साथ किसी भी चीज़ को स्टोर करना है, तो वहाँ पे हम मैप्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, मैप सिंपल भाषा में है कि एक की जो तुम्हारी है उसकी वैल्यू कहाँ पे स्टोर्ड है, ठीक है, उसमें क्या वैल्यू स्टोर्ड है, वो चीज़ होती है। ये हमारे पेयर्स होते हैं, की वैल्यू पेयर्स, हम इसको स्टोर करते हैं। जैसे दिस इज अ लाइक बहुत ईजी एग्जाम्पल, कॉलेज में तुम्हारे रोल नंबर्स हैं, रोल नंबर्स कैसे स्टोर होते हैं, की वैल्यू पेयर्स में स्टोर होते हैं, तुम उनको मैप्स में स्टोर कर सकते हो। दिस इज द फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट चीज़ पे आ जाते हैं कि तुम्हारे मैप्स होते हैं यार, ठीक है, और तुम्हारे होते हैं अनऑर्डर्ड मैप्स। इनमें जो मेजर डिफरेंस होता है ना, जब अनऑर्डर्ड इसमें अलग से लिखा हुआ है, अनऑर्डर्ड इसमें अलग से लिखा हुआ है, दैट मीन्स इनका कोई ऑर्डर नहीं होगा, ये सॉर्टेड नहीं होंगे। ठीक है, ये सॉर्टेड नहीं होते, ठीक है, नॉट सॉर्टेड, और ये तुम्हारे होते हैं सॉर्टेड। अभी सॉर्टेड नॉन सॉर्टेड क्यों होते हैं, क्योंकि जो इनकी जो इंप्लीमेंटेशन होती है ना मैप्स की, वो तुम्हारे रेड ब्लैक ट्रीज से होती है। अभी रेड ब्लैक ट्रीज क्या होते हैं, ये ना सेल्फ बैलेंसिंग ट्रीज होते हैं। हम ट्रीज आगे जाके पढ़ेंगे, ये रेड ब्लैक ट्रीज शायद ना पढ़ें, बट ट्रीज आगे जाके पढ़ेंगे, उससे तुम्हें समझ आएगा कि क्या डेटा स्ट्रक्चर एग्जैक्टली ट्रीज होते हैं, उसमें हम इसे स्टोर करते हैं। अभी क्या करते हैं, अपनी हाइट को बैलेंस करके रखता है। तो इसमें जो भी ऑपरेशन होते हैं ना, तुम्हारे जितने भी ऑपरेशन होते हैं, इंसर्ट करना, डिलीट करना, अपडेट करना, सब तुम्हारे लॉग इन टाइम में हो रहे होते हैं। लॉग इन टाइम में क्यों हो रहे होते हैं, जो जो ट्री की हाइट होती है ना, ट्री की हाइट तुम लॉग ऑफ एन होती है, ठीक है, जो ट्री की हाइट होती है वो तुम्हारी लॉग ऑन लॉग ऑफ एन होती है, जो सेल्फ बैलेंसिंग ट्रीज होते हैं। ठीक है, ठीक है, जो उनकी हाइट होती है ना, मतलब एक पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट से हम किसी भी ट्री के किसी भी एंड पॉइंट तक जा सकते हैं, तो उसमें जो टाइम लगता है तुम्हारा लॉग एन लगता है। तो ये वाली जो हाइट होती है वो तुम्हारी लॉग ऑफ एन होती है, एन क्या है, तुम्हारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। क्योंकि सेल्फ बैलेंसिंग है तो ये कभी भी स्क्यूड बाइनरी ट्रीज नहीं होते, ये हमेशा बैलेंस्ड होते हैं, मतलब पूरे कंप्लीट बाइनरी ट्री टाइप के होंगे, कहीं पर भी ऐसा नहीं होगा कि एक सीधा, मतलब ये सारी थोड़ी टेक्निकल टर्म्स हैं, ये सब हम पढ़ेंगे जब हम ट्रीज पढ़ रहे होंगे। ठीक है, अभी तुम बस ये समझ लो कि जो इसके जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, चाहे वो ऐड हुआ, अपडेट हुआ, ठीक है, डिलीट हुआ, कुछ भी ऑपरेशन हमें इसमें करना होगा, ठीक है, डिलीट में भी, हाँ सेम, डिलीट हुआ, कोई भी अपडेट हुआ, फाइंड हुआ, ये सारे ऑपरेशन तुम्हारे लॉग इन टाइम में हो रहे होते हैं, क्योंकि ये सॉर्टेड ऑर्डर में है। ठीक है, सॉर्ट करने में इतना टाइम इसको लगता है, सॉर्टेड ऑर्डर मेंटेन करने में, ठीक है, सॉर्टेड ऑर्डर मेंटेन करने में इसको इतना टाइम लगता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ होती है अनऑर्डर्ड मैप्स होते हैं, उसमें हम हैशिंग यूज़ कर रहे होते हैं, इसमें हम हैशिंग यूज़ कर रहे होते हैं। हैशिंग भी मल्टीपल तरीके की होते हैं, अगर तुम बोलोगे तो हैशिंग पे एक अलग वीडियो बना देंगे कि हैशिंग एग्जैक्टली क्या होता है, तो वहाँ से तुम्हें समझा देंगे कि हैशिंग अलग अलग तरीके से होती है, कैसे हैशिंग कर सकते हैं। बट यही समझ लो, हैशिंग में जो तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना, वो ऑर्डर ऑफ तुम्हारी वन हो जाती है। ठीक है, जैसे तुम्हारे हम एरेज में या फिर वेक्टर्स में जाके एकदम से ढूंढ लेते हैं ना कि ये वाली चीज़ यहाँ पे पड़ी है, इस इंडेक्स पे ये पड़ा है, सेम चीज़ हो सकती है कि हम इसमें की वैल्यू पेयर्स में सीधा की को अगर एक्सेस करना चाहेंगे तो उसमें ऑर्डर ऑफ वन टाइम लगेगा कि बस जैसे ही एक्सेस किया वैसे हमें मिल गया। ठीक है, इसमें भी थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस वगैरह आती हैं, बट जनरल यूज़ केस में इसकी हमेशा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हर ऑपरेशन की ऑर्डर ऑफ वन होती है। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन मैप्स एंड अनऑर्डर्ड मैप्स।
इम्प्लीमेंटेशन में डिफरेंस है, यूजेज में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। बस यही डिफरेंस है कि अगर तुम्हें कहीं पे भी ऑर्डर्ड कुछ चीज़ चाहिए, लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर तुम्हें कहीं भी लिखा दिख जाए कि यार इस चीज़ को इस लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर में प्रिंट करना है, ये करना है, तो वहाँ पे तुम्हें मैप्स यूज़ करना है। अगर ऐसा कहीं कुछ नहीं दे रखा, दैट मीन्स यू कैन यूज़ अनऑर्डर्ड मैप्स, सिंपल एज दैट, कुछ है ही नहीं। और जनरली अगर ऐसा कुछ नहीं दे रखा तो अनऑर्डर्ड मैप्स यूज़ करना ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी कम रहती है उसमें, तुम ऑर्डर ऑफ वन में सारे ऑपरेशन कर पाते हो। तो बढ़िया चीज़, जब जैसे तुम्हें फ्रीक्वेंसी स्टोर करनी है किसी चीज़ की, तो अनऑर्डर्ड मैप्स को प्रेफर कर सकते हो। इसमें बस ये चीज़ दिक्कत होती है, जब तुम इसको प्रिंट करोगे तो तुम्हें कोई ऑर्डर नहीं मिलेगा, ऐसे रैंडमली कुछ भी मिल सकता है। दैट इज़ द ओनली मेजर डिफरेंस, अपार्ट फ्रॉम दैट सब कुछ बिल्कुल सेम सेम है। और नहीं था तो अब क्या करते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें हम इसमें ऐड करेंगे एलिमेंट्स को, डिलीट करेंगे एलिमेंट्स को, ठीक है, और प्रिंट कर लेंगे एलिमेंट्स को। उससे तुम्हें ये मैप्स का थोड़ा सा समझ आ जाएगा, उसके बाद फिर हम इसके क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। इतना ध्यान रखना है, जब अभी हमें कुछ सॉर्टेड ऑर्डर में चाहिए तो हमें मैप्स यूज़ करने हैं। मैप्स इंप्लीमेंटेड तुम्हारे रेड ब्लैक ट्रीज से होते हैं, ये सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी ट्रीज हैं। आगे इसकी डिटेल्स ट्रीज पढ़ेंगे जब करेंगे। इसके अलावा जो तुम्हारे इनकी जितने भी ऑपरेशन हैं वो लॉग इन टाइम में होते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें नोड के मतलब वो बैलेंसिंग पूरा फैक्टर, ठीक है, वो हम पढ़ लेंगे। इसके अलावा जो तुम्हारे अनऑर्डर्ड मैप्स होते हैं, इसमें जो तुम्हारी होती है ये हैशिंग यूज़ करते हैं तुम्हारे की वैल्यू पेयर्स को स्टोर करने के लिए, और जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ वन होती है। दैट इज़ इट, अब जल्दी से चलते हैं इक्वेशन सॉल्व करते हैं, इससे तुम्हें काफ़ी सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि की वैल्यू पेयर में ना की और वैल्यू को कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कॉम्प्लेक्स चीज़ हो सकती है, ठीक है, की वैल्यू में कुछ भी हो सकता है। वेक्टर ऑफ वेक्टर डाल दिया तुमने कीज़ में, वेक्टर ऑफ वेक्टर कुछ भी, मतलब 3D तुम एरे डाल सकते हो कीज़ में, वैल्यूज में 3D एरे डाल सकते हो, तुम्हारी मर्जी, तुम कैसे भी कुछ भी यूज़ करके डाल सकते हो। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो जब भी हम ग्राफ्स वगैरह भी पढ़ रहे होंगे ना, तो हम ये मैप्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करके ग्राफ्स वगैरह बना लेते हैं, क्योंकि ईजी होता है बनाना। एक इसकी इंप्लीमेंटेशन है, यूसेज है, कहाँ पर यूज़ करते हैं। और अनऑर्डर्ड मैप में बस ये दिक्कत है कि इसमें ना हैशिंग फंक्शन डिफाइंड नहीं होता, पेयर के लिए जैसे डिफाइंड नहीं है, वेक्टर के लिए डिफाइंड नहीं होता, तो इनके लिए तुम्हें अलग से हैशिंग फंक्शन डिफाइन करना पड़ता है। अगर तुम वो हैशिंग फंक्शन डिफाइन कर देते हो तो उसके बाद तुम अनऑर्डर्ड मैप में भी यूज़ कर सकते हो की को एज अ पेयर, की को एज अ वेक्टर जनरली, नहीं तो तुम मैप में तो यूज़ कर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये कंपैरिजन बेस्ड है और ये हैशिंग बेस्ड है। यहाँ पे कंपेयर कर रहे होते हैं हम पेयर और पेयर वन पेयर टू को, तुम कंपेयर कर सकते हो डायरेक्टली, वेक्टर वन वेक्टर टू को डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हो, बट अनऑर्डर्ड मैप में तुम्हें बताना पड़ेगा कि कैसे इसको तुम्हें कंपेयर करना है। तो वो सब तुम्हें एक गूगल करके एक लाइन में मिल जाएगी, कैसे कंपैरिजन ऑपरेटर्स का लिखते हैं, और उसके बाद तुम उसको यूज़ कर सकते हो। दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स जो जो तुम्हें पता होनी चाहिए जब भी तुम मैप्स का यूज़ कर रहे हो। बाकी अब अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब ये हमारा क्वेश्चन है मैप ऑपरेशंस, इसमें हमें क्या करना है, इंसर्ट करना है, डिस्प्ले करना है और इरेज करना है, ठीक है। इंसर्ट करने के लिए क्या करना होगा, हमें इंसर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, सीधा नॉर्मल इंसर्ट हो जाता है, i=0, i + हर एरे को ट्रैवर्स करना है, एरे ऑफ i को की रखना है और उसके इंडेक्स को वैल्यू रखना है, क्योंकि उल्टा कर रहे हैं, समझ रहे हो, उल्टा कर रहे हैं हमसे। तो हमें क्या करना है, हमें मैप मिल गया है mp मैप ऑफ एरे ऑफ i = i, बस, ठीक है, सिंपल है। ये तुम्हारी की है, मतलब ये जो अंदर इसके अंदर है ये तुम्हारी की है और ये तुम्हारी वैल्यू है, ठीक है। एमपी के अंदर हमने डाली यहाँ पे की और यहाँ पे हमने डाली है ये वैल्यू, ठीक है। इसको ऐसे याद रखना, ये हमारा मैप है, मैप के अंदर की है, की के अंदर वैल्यू हमने स्टोर कर दिया, इतना ही है, ये हमारा इंसर्ट हो गया। डिस्प्ले करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पूरे मैप पे ट्रैवर्स करना पड़ेगा, राइट। ट्रैवर्स करने के लिए हम आइट्रेटर्स यूज़ करते हैं। अब आइट्रेटर्स को कैसे लिखते हैं, हमें आइट्रेटर्स को ऐसे लिखना होता है, मैप इंट ऑफ इंट ये, ठीक है, map.begin से इनिशियल हमें बता देगा कि कहाँ से हमारा मैप स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद हमें क्या करना है, वाइल it इज़ नॉट इक्वल टू मैप डॉट एंड, हमने mp डिफाइन किया ना, यहाँ पे mp है तो उसको mp कर देना, ठीक है, फंक्शंस हैं दोनों, स्टार्टिंग और एंडिंग दे देते हैं। उसके बाद it++ करना है। यहाँ पे ना आप एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो तुम्हारा it + it = it + 1 नहीं कर सकते तुम, ठीक है, ये इनवैलिड होता है, तुम सिर्फ इंक्रीमेंट कर सकते हो it++, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है एग्जैक्टली कि
जो तुम्हारे आइटरेटर है ना, मतलब जो मैप्स जो तुम्हारे स्टोर्ड हो रहे होते हैं ना, कॉन्टिन्यूसली स्टोर्ड हो रहे होते हैं। जैसे एरेज में क्या होता है, एरेज में मेमोरी लोकेशन में अगर यहाँ पे एक चीज़ पड़ी है तो नेक्स्ट अगली मेमोरी लोकेशन पे पड़ी होगी, अगली पे पड़ी होगी, अगली पे पड़ी होगी। अगर ये मेमोरी है तो ऐसे वो सिक्वेंशियली पड़ी होती है। मैप्स में क्या होता है कि सिक्वेंशियली नहीं पड़ा होता, वो कहीं पे भी पड़ा हो सकता है, तो वो एक को दूसरे से पॉइंट कर रहा होता है कि यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है। तो इसलिए हम उसको IT++ करते हैं, नेक्स्ट पॉइंटर पे तुम्हें ले जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट आइटरेटर, हाँ भाई नेक्स्ट पॉइंटर पे ले जाए, कहाँ जाना है, नेक्स्ट वैल्यू पे ले जाए, की वैल्यू पेयर पे, और वैसे तुम्हारा काम हो जाएगा। तो +1, +2, +3 नहीं कर सकते, ये कर सकते हैं। और उसके बाद हमें क्या करना है, की एंड वैल्यू प्रिंट करनी है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको हम ऐसे प्रिंट कर सकते हैं IT, और इसकी हमें करनी है वैल्यू, ठीक है। अब इसमें दो चीज़ें हैं, पेयर है ना की वैल्यू पेयर, तो IT.first और नेक्स्ट हमारा तुम्हारा IT.second, क्योंकि पहला होगा और फिर दूसरा होगा। उसके बाद हमें करना है इसमें एंडल, और ये हमारा डिस्प्ले हो गया। अब इरेज करने के लिए क्या करना होता है, इरेज के लिए डायरेक्टली मैप में एक इरेज का फंक्शन हमें मिल रहा होता है, हम उसको यूज़ कर लेंगे और बस इरेज कर देंगे। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं पहले फाइंड यूज़ करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि अवेलेबल है भी कि नहीं है। फाइंड क्या करता है, मैं ला के दे देता आइटरेटर, ठीक है, मैं क्या ला के दे देगा, आइटरेटर ला के दे देगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर अपना आइटरेटर फिर से डिफाइन करना है जैसे हमने किया था, ठीक है। अब इसको एक चीज़ और कर सकते हैं, अगर हमें ऐसे पूरा इतना बड़ा नहीं लिखना है तो C++ हमें एक ऑप्शन देता है, एक कीवर्ड है ऑटो, ऑटो से एग्जैक्टली वो अपने आप ढूंढ लेता है कि क्या यूज़ होना चाहिए यहाँ पे। और इसमें हम सीधा कर सकते हैं MP.find, हमने कर दिया अपना x, या हमें एक आइटरेटर ला के दे देगा। फिर हम चेक करेंगे कि इफ़ IT इज नॉट इक्वल टू तुम्हारा MP.end। ये हमने क्यों चेक किया है, हमने इसलिए चेक किया है क्योंकि ऐसा हो सकता है अगर कोई वैल्यू अवेलेबल नहीं होती है तो मैप का लास्ट तुम्हें एंडिंग ला के दे देता है, ठीक है, मैप का एंड ला के दे देता है। तो तुम्हें पहले चेक करना पड़ेगा कि क्या वो जो एलिमेंट हम ढूंढ रहे हैं वो अवेलेबल भी है कि नहीं है। अगर अवेलेबल नहीं है तो हम कुछ नहीं करेंगे ना, राइट। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इरेज यूज़ कर देंगे। इरेज कैसे यूज़ करेंगे, MP.erase, और इसमें हम दे देंगे IT, और फिर यहाँ पर प्रिंट कर देंगे इरेज, और एल्स में प्रिंट कर देंगे भाई नहीं हुआ हमारा काम, ठीक है। एल्स में हम क्या कर देंगे कि नहीं हुआ काम, हमने अपनी एल्स कंडीशन डाल दी, हमने कंडीशन डाल दी, और हमारा काम हो गया। इसके ऊपर कंपाइल करके देख लेते हैं, सही आ रहा है, जो चाहिए था वही आ रहा है। इसने इरेज करने के लिए बोला, उसने इरेज कर दिया, और ये हमने अपने मैप पे सारी चीज़ें देख ली, इंसर्शन कैसे होता है हमने देख लिया, प्रिंट कैसे करते हैं हमने देख लिया, फाइंड कैसे करते हैं हमने कैसे देख लिया, डिलीट कैसे करते हैं, सबमिट कर देते हैं इसे, और हमारा सबमिट हो गया है। सो दिस इज़ द बेसिक, इससे हम ऐसी सारी चीज़ें कर सकते हैं। सिमिलरली अगर यहाँ पे मैप नहीं होता, ठीक है, अगर यहाँ पे मैप नहीं होता, अनऑर्डर्ड मैप होता, तो जो तुम्हारे डिस्प्ले वाली चीज़ होती ना वो थोड़ी डिफरेंट होती, करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पूरा चेंज करना पड़ेगा, कोई नहीं, हम यहाँ पे फिर से डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, तो मैं समझ आ गया मैप में क्या होता है। अनऑर्डर्ड मैप में ये ऐसे सिक्वेंशियली प्रिंट नहीं हो रहा होता, जैसे तुम यहाँ पे देख रहे हो, जब मैंने सबमिट किया तो सिक्वेंशियली प्रिंट हो रहा है ना, 1, 2, 4, 7, 8, 9, ये ऐसे सिक्वेंशियली प्रिंट नहीं होता, कैसे भी रैंडम ऑर्डर में आ सकता था। तो ये तुम्हारा मैप करता है, अनऑर्डर्ड में अगर तुम करोगे सेम चीज़ तो सिक्वेंशियल ऑर्डर में नहीं आएगा, दैट इज द ओनली डिफरेंस। एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी, यहाँ पे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा लग रही है, पूरी सारे पूरे मैप को ट्रैवर्स करने में तो यहाँ पे एन लॉग एन टाइम लग रहा होता है। सो दिस इज द होल थिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए।